हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से मटन स्ट्यू की रेसिपी बनाना शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। इससे ज़्यादा आसान तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा मटन स्ट्यू बनाने का। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और आसान सी रेसिपी है ये, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ मटन स्ट्यू की रेसिपी शेयर करी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं मटन स्ट्यू बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे कैसे बनाते हैं। तो मटन स्ट्यू बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, तो 400 ग्राम मैंने प्याज ली हुई है और इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है स्लाइस में। 1 बड़ा टमाटर लिया है, उसे भी स्लाइस में कट कर लिया है। और 3 मैंने हरी मिर्च ली है। मिर्च को आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं, मैंने साबुत ली है। और ये कुछ साबुत मसाले लिए हैं, इसे मैंने 1 teaspoon ज़ीरा लिया है, 1/2 teaspoon मैंने क्रश किया हुआ काली मिर्च लिया है, आप साबुत काली मिर्च भी ले सकते हैं। और 2 से 3 मैंने छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 3 मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, 2 हरी इलायची ली है और 2 तेज़पत्ता लिया है। और इसे बनाने के लिए मैंने 1/3 cup वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। 1 tablespoon भरकर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/2 teaspoon मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और थोड़ी सी मैंने हरी धनिया लिया है। इसका इस्तेमाल हम गार्निशिंग में करेंगे, तो धनिया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस आसान सी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें मैंने जो 1/2 kg मटन वॉश करके रखा था वो ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें जो प्याज और टमाटर को स्लाइस में कट करके रखा था और साथ ही मैंने साबुत हरी मिर्च ली थी, वो तीनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को कट करके भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। सारे साबुत मसाले इसमें डाल देंगे, ऑयल डाल देंगे, साथ ही साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और हम इसमें 1 teaspoon नमक का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो इसके साथ ही आप 1 चम्मच नमक का भी, या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इसमें हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मटन से, प्याज से और टमाटर से पानी निकलेगा। तो इसमें 1/4 cup के करीब हम इसमें पानी डालेंगे, आप चाहें तो इससे थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, मैंने 1/4 cup डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसकी लिड लगा देंगे। लिड लगाकर हम इसे हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट तक कुक करेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ करके कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे, कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। ये हमारा कुकर ठंडा हो गया है, इसे कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, फिर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी, कुकर ठंडा हो गया। ये इसे खोल कर देखते हैं, तो ये हमारा मटन अच्छी तरह से कुक हो गया है, गल गया है। ये देखिए प्याज टमाटर और मटन से कितना सारा पानी निकला है। तो हम वापस से गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हुए, मिक्स करते हुए इसका सारा पानी ड्राई होने तक इसे भूनेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें जो मैंने गरम मसाला पाउडर लिया था और हरी धनिया ली थी, तो थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे और गरम मसाला हम इसमें सारा ही डाल देंगे। और मैं इसमें आपको लाल मिर्च दिखाना भी भूल गई थी शुरू में, आप चाहे तो इसको शुरू में भी डाल सकते हैं लाल मिर्च, और मैं भूल गई थी इसलिए मैं इसमें अब डालूंगी। तो मैंने इसमें 1/2 teaspoon लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। तो पिसी हुई लाल मिर्च हम सिर्फ 1/2 teaspoon लेंगे। ये मैं आपको शुरू में दिखाना भूल गई थी, तो अगर आप को जब आप शुरू में ही इसको सारी चीज़ें जब ऐड करते हैं मटन के साथ तभी ऐड कर लीजिए, या आप मेरी तरह इसको बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ये हमारे मटन को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पर, देखिए इसका सारा पानी ड्राई हो गया है, अच्छी तरह से भुन गया है ये। अब हम इसकी लिड ऐसे ही लगा देंगे, ऊपर से ढक देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे, जिससे इसका सारा तेल ऊपर आ जाए और ये अच्छी तरह से इसमें सारे फ्लेवर ऐड हो जाए। ये हमारे मटन स्ट्यू को कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है लो फ्लेम पर, सारा तेल ऊपर आ गया है, बहुत ही अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो गया है। देखिए कितनी आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से मटन स्ट्यू बनकर रेडी हो गया है। आइए इसे सर्व करते हैं। ये हमारा टेस्टी और डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा आसान मटन स्ट्यू बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसे बनाना कितना ही ज़्यादा आसान है, आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। बनाने में जितना ज़्यादा आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसे आप हरी धनिया से गार्निश कर दीजिए। गरम गरम आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। तो जब भी आपके घर गेस्ट आए,
तो इसे आप ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाएं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।